खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेंभुरने व उसके वाहन चालक को पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक खाद्य निरीक्षक के घर पर काम करने वाली नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने खाद्य निरीक्षक व उसके वाहन चालक के विरुद्ध छेड़छाड़ समेत पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा है। दरअसल नाबालिग इसी साल जनवरी माह से खाद्य निरीक्षक के रामानुजगंज निवास पर काम करती थी और उसी दौरान खाद्य निरीक्षक द्वारा नाबालिग से अवैध संबंध बनाने की नीयत से उससे छेड़छाड़ करता था। यही नहीं, किसी को बताने पर खाद्य निरीक्षक उसे जान से मारने व काम से निकाल देने की धमकियां दिया करता था और इसकी जानकारी खाद्य निरीक्षक के वाहन चालक को भी थी, लेकिन वाहन चालक भी खाद्य निरीक्षक की ओर से नाबालिग पर दबाव बनाया करता था। आखिरकार नाबालिग ने खाद्य निरीक्षक व उसके वाहन चालक से तंग आकर अपनी आपबीती अपने परिजनों को बता दी, जिसके बाद नाबालिग की मां ने रामानुजगंज थाने में लिखित शिकायत दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ समेत पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर खाद्य निरीक्षक व उसके वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारत टीवी के लिए बलरामपुर से स्टेट हेड वीरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। लगातार इसकी सूचना घटना इस तरह से वो कर रहा था, जिसकी सूचना कल उसकी माता जी ने, पीड़िता के माता जी ने बताई कि जो निखिलेश टेंभुरने है, ये उनके साथ छेड़खानी करता है और काम में नहीं रखूंगा करके लगातार उसके ऊपर दबाव बनाता था और उसके साथ छेड़खानी किया है और छेड़खानी करके गलत तरीका से उसको धमकी देता था, जान से मारने का धमकी देता था और धमकी दे करके उसे मजबूर करता था। और इस रिपोर्ट की सूचना पर 354 का 506 भारतीय दंड विधान तथा 7-8 पास्को अधिनियम के तहत निखिलेश टेंभुरने खाद्य निरीक्षक रामानुजगंज के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनके विवेचना किया गया। विवेचना के उपरांत में अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड में प्रस्तुत किया गया। कि उसके साथ बाद में विवेचना के दौरान आया तो उसके बाद उसको सह अपराधी सह उनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया।